भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा पूरे विधानसभा चुनावों में कहीं नजर नहीं आई। अब उनका कहना है कि मैं कहाँ हूँ, ये चिंता हमारी पार्टी भाजपा को होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मालेगांव केस मैं जीतूंगी। इस बार पूरे विधानसभा चुनाव में सांसद साध्वी प्रज्ञा कहीं नजर नहीं आई। अब उन्होंने कहा कि ये चिंता हमारी पार्टी बीजेपी को होनी चाहिए थी कि मैं कहाँ हूँ। जिस केस के कारण मैं 9 सालों से जेल में थी, उसकी सुनवाई चल रही है। इसी सिलसिले में पिछले 2 महीने से मैं मुंबई में हूँ। मालेगांव केस में हमारी जीत होगी। ये चिंता हमारी भाजपा को होना चाहिए थी कि भाई मैं कहाँ हूँ, भाजपा को मालूम है। और कांग्रेस को इसलिए चिंता है कि मैं अपने कोर्ट की कार्रवाई में, जो उन्होंने हमारे ऊपर एक जबरदस्ती का केस लगाकर मुझे प्रताड़ना करके 9 वर्षों तक जेल में रखा, उसके ही अंतर्गत, उसी केस के अंतर्गत मैं लगातार अभी 2 महीने से मुंबई हूँ और प्रतिदिन कोर्ट अटेंड कर रही हूँ। और उस कोर्ट में अपनी कार्यवाही जो हमारे द्वारा होनी है वह मैं नियम के अंतर्गत पूरा कर रही हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारा केस है, इसलिए मुझे प्रतिदिन वहां रहना होता था। हमारे संगठन को मालूम है, हमारे जो जनता है उसको मालूम है कि मैं कौन से संघर्ष में लगी हूँ। मैंने कहा कि हमारे हमारा संगठन यहाँ अपने काम कर रहे हैं और मैं सांसद होने के नाते और जनता को विश्वास दिलाने के नाते, और जनता का विश्वास मेरे साथ है। जनता ने कहा कि दीदी आप निश्चिंत रहिए, हम सब लगेंगे और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम सब लग जाएंगे, लेकिन आप अपना जो कर्तव्य है देश के प्रति जो कर्तव्य है आप निभाइए, आप मुंबई रहिए, आप अपने केस को देखिए, बाकी हम सब लोग देख लेंगे। तो हमें जनता के साथ जाना है, जनता हमारे हमारे प्रति विश्वस्त है और ये सत्य का उद्घाटित होने का समय है। हम जिस कार्यवाही को करने के लिए मुंबई गए हैं, 2008 मालेगांव विस्फोट प्रकरण जो चल रहा है, हम उसमें हमारी जो कार्यवाही है अब वो आई है, मैं कर रही हूँ उसको और आगे बढ़ेगा केस। हम निश्चित रूप से उसमें विजय प्राप्त करेंगे। सत्यमेव जयते ये हमारे ही यहाँ कहा गया है, इसलिए हम इसको सार्थक करेंगे। सत्य सिद्ध होगा, उद्घाटित होगा और आतंकवाद पर, आतंकवादियों को जो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों पर, ऐसी पार्टियों पर मुंह पे तमाचा होगा और राष्ट्र के उत्थान में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत अच्छे से आगे आएगा और विजयी होकर के हम आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।